¡Puri te que sala! ¡Puri te que! ¡O chapare! अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपके लिए ये हैं हम सुजुकी 110 हमजा साहब की। हम आप बता सकते हैं आपने बाइक कितने में खरीदी थी और क्यों खरीदी थी? वैसे मैंने बाइक तो खरीदी थी जी, अब मार्केट में 125 चल रही थी ज़्यादा उस टाइम पे, और 150 का मेरा रेट था सुजुकी की। 150 आप इसकी तरफ क्यों आए? यार ये थोड़ी फैमिली बाइक है, अब इसी रेंज में 125 वो मुझे अच्छे नहीं लगते। और बाई पी आस वगैरह हैं जी, तो वो फैमिली बाइक। ये फोर डोर है? ये फैमिली बाइक है। मेरे ख्याल से आया भी सीबी यूनिट है कि सीकेडी यूनिट है? ये जी सीबी यू है। सीबी यू है, इंपोर्ट है। अब तुम कहते हैं इंपोर्ट ही है, ठीक है? नहीं क्या इंपोर्ट नहीं है, लोकल लोकल यूनिट है आपका? हाँ जी, लोकल है। इंजन की पावर कैसी लगी आपको? इंजन की पावर बहुत अच्छी लगी। ड्राइव, शॉक्स, ग्रिप, यार सबसे ब्रेकिंग की शॉक्स लगी। शॉक्स शॉक्स ब्रेक कैसी है इसकी? ब्रेकिंग भी अच्छी है। तो इसका आपको कितना खर्चा आ जाता है इसको ऑयल चेंज कराने पे, ट्यूनिंग पे? तो इसके पार्ट्स जो से आपको कंपनी से मिलते हैं सुजुकी से, क्या आपको आफ्टर मार्केट मिल जाएंगे जिस तरह बाकी 70 और 125 की मिल जाती है? कंपनी से भी मिल जाते हैं और आफ्टर मार्केट भी मिल जाते हैं, लेकिन आफ्टर मार्केट में आपको थोड़ा वेट करना। तो आपको कॉस्ट पता कितनी को आती है इसके किस पार्ट पर? पार्ट्स पार्ट्स पे यार इसके मैंने रिसेंटली ये सिंगल्स चेंज करवाए, इंडिकेटर्स चेंज करवाए जी। ये इसके ओरिजिनल वाले जो लगे हुए थे वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, काफ़ी बड़े थे। तो वो ओरिजिनल कितने के हैं? ओरिजिनल यार मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो 800 की जोड़ी है। जोड़ी किस? जोड़ी जोड़ी। अच्छा जोड़ी 800 की जोड़ी है। 1600 की अगले 1600 की अगले 10000 के पूरा सेट। ये आपको कितने में कॉस्ट? ये मुझे टोटल कॉस्ट ये 600 में टोटल। बाकी आपने इसका और जो काम नहीं कराया? बाकी मैंने सच कोई ऐसा काम टायर्स मैंने चेंज करवाए। ट्यूबलेस आते हैं दूसरे? नहीं, टायर्स के ट्यूब वाले हैं, लेकिन ये मुझे चेंज कराने पड़ गए मैंने दोनों अगले। बाकी दोनों इसके ब्रेक शू कितने के डलते हैं? इसमें कोई लोकल डलते हैं कि इसके? नहीं नहीं, अपने इसमें लोकल डालेंगे तो वो अच्छी तरह से ना वर्क नहीं करते, ठीक है? ब्रेक नहीं सही लगती, तो इसमें मैं कंपनी से लगवाता हूँ। इसके अपने डलते हैं जो 110 के अपने की ने किए हैं कि ये इसमें डालते हैं? इसमें 125 के डाल जाते हैं पिछले पिछले से। इसके गियर शिफ्ट जो से हैं ये चारों आगे डलते हैं कि पीछे डलते हैं? बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल बाइक जो पाकिस्तान में चलती आ रही है वैसे ही आगे डलते हैं, पीछे नहीं डलते। और इसके मीटर के अंदर क्या किस किस चीज़ का ये बताता है? मीटर के अंदर गियर इंडिकेटर्स देता है। फ्यूल के बारे में बताता है? नहीं, फ्यूल के बारे में नहीं पता है, गियर इंडिकेटर्स देता है। ठीक, यहाँ पे आपको न्यूट्रल और इशारे और ये चीज़ मिल जाती है। और इसका डिमर वगैरह पुश स्टार्ट भी है? हाँ जी, पुश स्टार्ट है। चलती भी है? हाँ जी, स्टार्ट कर लें। ये गियर में थी में इसकी ये सादी है लाइट है कि बीच में कोई दूसरी है? नहीं नहीं, ये सिंपल बल्ब, सिंपल बल्ब बल्ब वाली लाइट। हाँ बल्ब वाली। और ये स्टैंड इसका लगा आता कि आपने आफ्टर मार्केट? नहीं है, ओरिजिनल फिटेड है, कंपनी फिटेड है। ठीक है, इसमें रिम यही वाले आते हैं आपने चेंज करवाए हैं? नहीं, यही वाले आते हैं, इसलिए कंपनी से कंपनी के फिटेड रिम है इसके। तो आपने पता किया इसका ये बैग कितने की है? यार इस बैग का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से कम 5000 की है ये। नहीं आप कम बता रहे हैं, कम बता ज़्यादा की है क्योंकि कंपनी से इसके काफ़ी पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे महंगे। तो अब आप हमें बताएंगे इसकी ड्राइव के बारे में? यार इसकी ड्राइव 70 और 125 से तो बहुत अच्छी, ठीक है, बहुत अच्छी। अगर इसका कंपैरिजन 150 से किया जाए? 150 से किया जाए तो 150 के है ना जो टायर्स हैं ना जी, वो थोड़े से हैं मोटे वाले, उसमें मोटा टायर। हाँ, उसमें मोटे टायर लगते हैं, उसकी वजह से उसकी ड्राइव ज़्यादा अच्छी बन जाती है। बारीक टायर है उसकी वजह से, इसकी भी ग्रिप अच्छी है ना, ग्रिप अच्छी है, स्लिप वगैरह नहीं करती। स्लिप वगैरह मुझे आज तक नहीं कभी इसमें। बाइक आपको कहीं भी शहर के अंदर भगाते हुए लॉन्ग पे अंडर पावर फील हुआ है आपको? नहीं, 110 नहीं लेना। मुझे तो 110 से भी एक हाथ ऊपर फील हुआ कि 125 से भी। आपके कहने का मतलब आपने 125 को इससे चपेक रहे हैं बहुत ज़्यादा? तो अब आप इसकी बताएंगे प्राइस कितनी है इस टाइम? इसकी जिस टाइम मैंने ली थी, क्योंकि मैंने ली थी 2021, मुझे उस टाइम पे 182 की इसकी इनवॉइस थी। ठीक, तो आपने टोटल कैश पे ली थी? नहीं नहीं, मैंने लीज़ पे ली थी 2 साल की। तो आपको लीज़ पे कितने की पड़ी है ये? मुझे लीज़ की सिर्फ और सिर्फ 8000 ऊपर पड़ी। जानने वाला होगा आप? नहीं नहीं, ये कंपनी की पॉलिसी है। हाँ, सुजुकी दे रहा है, सुजुकी आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे देती है, वो सिर्फ अपना सर्विस चार्ज करती है। सर्विस चार्जेस होते हैं उनके 8000, अगर आप 24 मंथ्स की करते हैं तो 8000, अगर आप 18 मंथ्स की करते हैं तो आई थिंक 6000 है, और अगर आप 12 मंथ्स पे आते हैं तो वो 4000 आपसे ऊपर चार्ज।
तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप ऐसे रिव्यूज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अल्लाह हाफिज़, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। तो आज लेके हम अपने दोस्त हसन तेरा हमजा हुसैन आपकी का छटा यार आपकी बाइक यार मौलवी चढ़ा हुआ है कहाँ पे स्टार्ट तो करने तो भी स्टार्ट नहीं की वैसे शुक्र लगा रहा था मैं। चल अब